मतलब मांगे थे कि मैं तो एक कहा नारी हूँ, ठीक है, और नारी होने के नाते जो मेरे से उचित बनते हैं, जो मेरे से जायज जो बनते हैं वो आप मेरे से मांग सकते हो। तो देखिए, देखा होगा कि पुरुष की बजाय लेडीज को थोड़ा कुछ कम में करके आका है, इसलिए सात तो मांगे थे, सात आपने दे भी दिए सात वचन, लेकिन इतना फर्ज तुम्हारा भी बनता है कि कम से कम तुम उनके आधे तो दो इनको, ठीक है। तो सात के आधे कितने होते हैं, साढ़े तीन, ठीक है। और देखिए, साढ़े तीन का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए चार वचन हमारे मनीष जी के लिए जो वो तुम्हारे से मांग रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, हाँ देख लो कितनी छूट हुई है। अब ये भाई साहब जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं उद्दाने मद पाने चे पिता ग्रह गमने चे आज्ञा भंग होने वर वाक्यम चतुष्कम। हमारे मनीष जी कह रहे हैं कि हमारे कुल की जो परंपरा है, हमारे खानदान की जो परंपरा है, हमारे परिवार की जो परंपरा है, वो ये परंपरा है कि उद्यान उद्यान कहते हैं जंगलों के लिए, पार्कों के लिए, खंडरों के लिए, बाग बगीचों के लिए, सुनसान जगहों के लिए, ठीक है। आप वहां कभी भी अकेली नहीं जाएंगी, ऐसी जगहों पे आप कभी भी अकेली नहीं जाएंगी। यदि घूमने का जाने का दिल करता है तो हमारी मम्मी को साथ में लेकर के जाएंगी, हमारी भाभी को साथ में लेकर के जाएंगी, हमारी बहन को साथ में लेकर के जाएंगी, यानी कि किसी न किसी को घर से साथ में लेकर के जाएंगी, तो मैं आपको बाएं में लेता हूँ, ठीक है। दूसरा वचन है उद्दाने मद पाने चे। देखिए, मद कहते हैं नशे के लिए, नशे के लिए भाई, पीने खाने वाले नशे की तो सबको पता ही है, आए भी होंगे खैर ऐसी बात ना रहते हैं ऐसे क्या, वो तो सब में रहते ही है थोड़ा, बस पीने खाने वाला तो सबको समझ में आ ही जाता है, नशा होता है। और पीने खाने के बाद भी दो नशे होते हैं, एक तो पीने खाने वाला हो गया और दूसरा जो होता है एक धन दौलत का नशा होता है, ठीक है, और तीसरा जो होता है वो ताकत का नशा होता है, ठीक है। तो ये भाई साहब जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोई नशेड़ी है, कोई शराबी है और वहां पर कहीं वो बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है और हमारा वहां का कोई काम नहीं, तो हम है का वहां क्यों खड़े हो, ठीक है, वहां पे नहीं खड़ा होना वहां पे, तो मैं आपको बाएंग लेता हूँ। तीसरा वचन है उद्दाने